राम राम जी सारे ने, उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे। तो मैं लेट रही थी, दोपहर का टाइम था जी, टाइम हो गया था 2 बजे का, तो गिट्टू तब तक आया नहीं था, तो मैं इस टाइम तो ये लौटा करूँ थोड़ी ही। तो मम्मी कह रही थी भी खड़ी हो ले, मैं कहा चलो उठ लियो, मम्मी रोटी खाने लगी, मैं बोली भाई चल मैं तो रोटी खाऊँ, उठ ली तेरा जी करा जब, तो भी फिर कित सोया जाओ था, मम्मी बोलती रह है, तो मैं थोड़ी ही लौटा करूँ हूँ काम कुम करके ना, फिर मखा उठूँ तो फिर भाई उठना ही पड़ा, क्योंकि मम्मी काफ़ी देर थी कह रही थी, तो मम्मी तो खाने लगी थी रोटी रूस का ना, जो बोली जब तेरा जी करा जब उठे जाइए, तो तो मम्मी मारी तोड़ी रूस जाया करा है, तो भाई फिर मैंने थोड़ा सर्दी लाग रही थी, पंखा भी नहीं चला रखा था, मैं गोली लेकर लौटी थी तो पंखा भी नहीं चला रखा था, फिर मैं ये चादर ओढ़ ली थी, मैं चादर ओढ़ कर लौटूँ मैं तो, मम्मी ने जाडा नहीं लागा था, कंबल सराना ही था, मैं कहा तेने जाडा लागा तो उड़ लिए, तो मैं तो चादर उड़ूंगी, क्योंकि कंबल कुंबल तो ये सुहाण के दिन कौन है हमने रात के लिए, तो कंबल निकाल दिए खेस खेस तो धोखा दर दिए सारे भाई कंबल, रात में तो सर्दी लग गई है, बगैर पंखा तो सुहाते नहीं कंबल, फिर पंखा चला लिया तो इस सुहा जावा है, तो भी मैं उठ ली, मैं जूड़ा कराया करूँ और फिर लौटा करूँ जब खुले बाल करके सोया करूँ हूँ, और बगैर गिंडवे मेरे को नींद नहीं आया करा है, आँखें पता नहीं बीमार होने के बाद है ना, आख्या में बस पानी सा ही जावे है, पता नहीं कब ठीक होगा, और लाला लाग सी रह जावे है, एलर्जी सी हो जा है, तो फिर मम्मी पूछ रही थी भैया से इतना आराम, मखा हाँ मेरा तो इतना आराम से, तो मैं यहाँ उठ ली थी, फिर मखा कह रही थी भी कि तू आया ही नहीं है, अभी नींद तो रह रही थी, फिर नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं उचाटी सी हो गया है, तो सारा शरीर में बीमार होने के बाद है ना, तो पैरों पर पता नहीं सूल सी सुबह जहाँ खुजली ही हुई जावे है, तो बार बार खुजली करनी पड़ा है, तो मखा चलो ठीक है भाई खाना खा लिया, मम्मी ने अभी भूख नहीं, मखा मैं तो चाय के साथ खाऊंगी, चाय बनाऊंगी जब इनके पापा आऊँगे, जब मैं चाय बनाऊंगी चाय के साथ खा लूँगी, एक आधी रोटी खानी होगी तो वो भी खाऊंगे तो वो भी खा लेंगे, तो मखा मैं तो खाती नहीं, तो भी यहाँ तो फिर मैं सुती उठ ली थी, फिर मैंने सोचा अभी टाइम है फिर किटू आ जाओगा, तो मैंने एक सलवार सिल ली थी, मेरा सलवार सूट तो सिल रखा काफ़ी दिन हो गए, फिर मैं बीमार हो गई थी सलवार सिल नहीं पाई, तो फिर मैं उसका अस्तर मंगाया था, अस्तर के बगैर रह रही थी वो सलवार ना तो सिल भी देते, तो फिर जाने नहीं मिल रहे थे वो सफ़ेदों, तो सफ़ेदों से अस्तर ले आई थी, तो वो उसका अस्तर मंगाया था हमने सलवार का, तो भी यहाँ मैं फिर तो भी यहाँ फिर मैं सलवार को काटने छाटने लगी, तो अस्तर कुछ तो घर पर था, कुछ मैंने थोड़ा ही मंगाया था, तो कंफ्यूजन सी हो रही थी मैं किस तरह से काटूं, क्योंकि कुछ सिलते हैं तो इतना अस्तर नहीं लगता, और बाकी बाहर सिलाते हैं तो हम एक सूट सलवार का 4-5 मीटर अस्तर मंगवाए ले हुए हैं, तो कुछ यो घर पर था, कुछ मैंने फिर यो थोड़ा ही मंगवाया था, ये पार्ट पार्ट मंगा इसमें लेकर जाऊँगी, कल इसमें लेकर जाऊँगी, तो मैं यहाँ फिर अस्तर काटने लगी थी, और सिल्की कपड़ा था ये, बार बार मतलब काबू मैं बहुत मुश्किल से काबू में आया था ये, तो क्योंकि इनके तो मैंने नायरा कट सूट सिल दिए थे, फिर मैंने तो अपना मखा मैं तो सलवार सिल लूँगी, बिला और किसी प्लेन मंगवा ले या कोई और पहन लिए प्लाजो वाला जो पहने मखाना, मैं तो अपनी सलवार ही सिल लूँगी, इसी की सिल लूँगी, इस पर लगा लूँगी मैं इसके साथ में, तो फिर मैंने मखा क्यों कपड़ा ख़राब करा, क्योंकि कई मीटर कपड़े थे अलग अलग कलर के, तो मैं वो सभी जिसके जिसका बनता गया उसका मैं सिलती गई नायरा कट, और अच्छे लग रहे सभी के अच्छे लग रहे थे, तो कह रहे थे तू भी सिमले, मखा ना मैं तो वैसे भारा हूँ और नायरा कट सिमने के बाद तो और भी भारा हो जाऊँगी, तो मैंने नहीं सीमा, और भी मखा थोड़ी सी बीमारी से थोड़ी राहत सी मिली है, मखा धीरे धीरे कर लूँगी, एकदम तो दबाओ होगा नहीं तो धीरे धीरे कर लूँगी, तो ये सिलक का बड़ी मुश्किल से इसकी तय करी थी मैंने, तो एक मतलब काफ़ी टाइम लग गया था मतलब तय तो कर देना, क्योंकि उधर से कपड़ा खींचती तो उधर कम पड़ जाता, उधर से खींचती तो उधर कम पड़ जाता, तो मैं ये कह रही थी मगर मैं जी टेप लाई थी, उनकी टेप तो साइड में रखा था, तो मैंने मखा चलो इसको बिछा दी थी, पार्ट मैंने पार्ट निकालने हैं इसमें से, मखा पहले पार्ट निकाल लूँगी, पार्ट का अस्तर अलग से निकाल लूँगी, और फिर अस्तर इसका अस्तर रह गया था ये छोटा रह गया था, तो मैंने दिमाग लड़ा के फिर दूसरी साइड से निकाला ये थोड़ा मखा दिमाग यूज करके, तो मखा किस तरह से निकल लगा, क्योंकि कुछ सिलते हैं तो भी कपड़ा बचाने के लिए किसी भी
कोई भी अपना मतलब सोच समझ कर दिमाग लड़ा कर तो निकाल सकते हैं हम। तो मतलब ऐसे निकल नहीं रहा था और थोड़ा मतलब आदमीटर की कमी रह गई थी अस्तर में, तो फिर मखा ये तो मैं इसी में निकाल लूँगी। तो फिर मैंने यहाँ कलियों की मतलब छोटा बड़ा कपड़ा है थोड़ा हा इसको मथा एक सार इस साइड भी इतना ही ले लूँ कपड़ा, इस साइड भी ले लूँ कपड़ा, बाकी जितने भी बचत होगी उसको मैं निकाल दूँगी। तो मैं साइकिल मैंने साइकिल की आवाज़ सुनूंगी बाहर, क्योंकि किटू का बाप पहले पता चल जाता है किटू की टन टन साइकिल की आवाज़ आई थी तो ये स्कूल में से आ गया किटू। अब देखो मैंने इतनी मुश्किल से इसकी करीज की थी और यहाँ आते ही बैठ गया, तो बेटे ऐसे होते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो भी वहाँ फिर आते ही उसने ले लिया था फ़ोन, क्योंकि आते ही तो वो फ़ोन लेता है, वो तो कुछ भी नहीं करने देता, इतना बना लिया जो बना लिया वो लोग। तो फिर यहाँ में शाम का टाइम हो गया था, चाय वाय भी पी लिए थे, तो वो खेल रहा था। इतने अकेडमी में नहीं जाता मखा, इतने तो फ़ोन देगा ही नहीं वो, क्योंकि फिर अकेडमी में जाने के बाद तो फिर फ़ोन को राहत मिल जाती है। तो यहाँ फिर भैंस भूसों को पानी, मखा भैंस भूस पानी पी लेंगी, इनको पिला दूँ। और गोबर काबरी भी काट पीट रही थी, सारा बुरा हाल कर रही थी, क्योंकि छोटे छोटे दिन हो गए तो थोड़ी सी ठंड सी महसूस करने लगी, तो बाहर बाथरूम वगैरह ज़्यादा कर देती हैं ये। तो मैंने यहाँ गाय वाये और ये कटिया वटिया बांध दी थी, यहाँ पर पानी उन्होंने पी लिया था। तो भी यहाँ फिर मैं मखा चलो भी इनका गोबर गाबर सांभर दूँ सारा, नहीं तो अलग अलग गोबर पाया करता, तो आज सारा खिंड मंड सारा आया था इनका। तो एक एक करके हमने खोली, तो मखा सारा बगड़ में करकट ना कर रहा है, तो साइड से एक साइड से ले गई थी मैं इनको, पहले उठाया नहीं गोबर, नहीं तो पहले उठा लिया करती। तो फिर मखा सामना तो पड़ेगा, झाड़ू तो देनी पड़ेगी, तो फिर मखा बाद में ही उनके पहले भैंसों को ही बांध देती हूँ, क्योंकि ये पानी सुबह पानी इन्होंने पिया नहीं था, अभी शाम ने ही पिया पानी, तो पानी पिया कर इनको बाहर बांध दिया मैंने। तो ये गोबर सांभर दिया, गोबर सांभरते सांभरते सांस चढ़ गए, क्योंकि ये पता नहीं कब ठीक होंगी मैं अच्छी तरह से, क्योंकि काम किया नहीं जाता। तो भी यह गोबर गाबर तो मैंने सारा सांभर दिया था, और फिर मखा पहले गोबर के हाथ होने से पहले पहले इनका न्यार रोक कर देती हूँ, चून मिला देती हूँ इनका, क्योंकि रात का न्यार कर दिए, रात का न्यार अब बखत से कर दिया करूँ हूँ, तो रात का न्यार कर दूँ। तो थोड़ी ताड़ी तो बेदी थी पहले, आए सुबह बे दिया करा, सारा काम सुबह कर दिया करा, क्योंकि खोर बतेरी बड्डी है, एक साइड कर दिया करा, बार बार कौन हटाए, ये बना धोकर फिर थोड़ी ताड़ी में नहीं हटा जा करा है। तो फिर इनका न्यार एक साइड कर दिया, इसका न्यारा कर दिया, इसका न्यारा कर दिया मैंने, तो मैं चून मिला दी, क्योंकि रात रात को ये खा लेंगी और फिर सुबह काम बार कर देंगे, थोड़ा 10-11 बजे भी बार बन जा करा है, तो फिर मखा बार बांध दूँगी। तो ये खोर बिल्कुल खाली हो जाओगी, इसका बाड़ा हवा भी लग जाओगी, तो मतलब ज़्यादा न्यार नहीं कराया करा, हाँ भाई थोड़ा ही कराया कर, थोड़ा ही कराया करा, हाँ भाई साफ भी हो जा। तो यहाँ फिर मैं तसड़ा बाहर से ले आकर, तो क्योंकि चून के हाथ तो ही रहे थे मैंने मेरे, तो फिर मैं यार गोबर गालन लगी, और क्योंकि ये तो थोड़ी स्पीड से किया मैंने इसमें व्लॉग में, क्योंकि राम राम से ही काम किया था मैंने, राम राम से ही काम बनता, ज़्यादा तेज नहीं बनता, धीरे धीरे ही काम में चलता, चल अपना धीरे धीरे कर लेती हूँ, और क्या ज़्यादा काम है भाई, आराम से कुछ कभी काम कर लेती हूँ, कभी बैठ जाती हूँ, नहीं तो मैं काम करे बगैर बैठा नहीं करती, अब तो बस किया नहीं जाता, क्योंकि सीधा खड़ा ही नहीं हो जाए, एक बार काम करे जाऊँ तो सीधा नहीं खड़ा हो जावा। तो वहाँ का गोबर मैंने डाल लिया था, अभी यहाँ का गोबर डालने लगी, और वही देखो अच्छी अच्छी कॉमेंट यूँ ही करते रहो, यूँ ही मेरा हौसला बढ़ाते रहो, आप लोगों की वजह से ही मैं जल्दी उठ पाई हूँ।